आजकल लोगों की आंखों में एक अलग चमक है कि दशहरा आ रहा है और रावण को जलाना है। लेकिन भूलिए मत, अपनी तमाम कमियों के बावजूद रावण की महानता बढ़ेगी और अपनी तमाम अच्छाइयों के बावजूद हमारा चरित्र अभी उतना उठा नहीं है कि हम रावण को जला सकें। रावण की महानता श्री राम ने भी मानी थी। जब श्री राम ने अवध कर दिया और रावण अपने रथ से गिर करके नीचे जमीन पर आ गया तो अहंकार में लक्ष्मण रावण के सिर की तरफ जाकर खड़े हो गए। तब श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि जिसके सिर पे तुम खड़े हो ये एक महान विद्वान है, अपने आखिरी समय में आखिरी सांसें ले रहा है, इस वक्त ये जो भी कहेगा सदाकत होगी। इसके सिर पे खड़े होने की बजाय इसके पैरों की तरफ आकर के खड़े हो और इनसे प्रार्थना करो कि ये तुम्हें कुछ सिखाए। लक्ष्मण ने ऐसा ही किया, वो रावण के पैरों की तरफ आकर के बैठ गए और उन्होंने रावण से कहा कि हे रावण मुझे कोई शिक्षा। रावण ने कहा कि तुम्हें मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा, आखिर ये युद्ध में हार क्यों गया? मेरा ज्ञान इस संसार में सबसे ज्यादा चारों वेदों का ज्ञाता, मैं प्रधान पंडित, फिर मैं ये युद्ध हार क्यों गया? मेरी सेना तुम्हारी सेना से ज्यादा बड़ी और ताकतवर, मेरी सेना में तुम्हारी सेना के मुकाबले में कहीं ज्यादा तजुर्बेकार और महान योद्धा, फिर मैं ये युद्ध हार क्यों? और सबसे बड़ी बात, तुमने ये युद्ध अपने राज्य से बाहर लड़ा, अपने परिवार से दूर, अपनी प्रजा से दूर, अपने लोगों से दूर, और मैंने ये युद्ध अपनी खुद की धरती पर लड़ा, फिर भी मैं ये युद्ध हार गया। लक्ष्मण ने कहा कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। रावण ने कहा यही सिखाना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, रावण ने जो कहा वो शब्द चार हैं लेकिन जिंदगी का सार है। रावण ने कहा कि ये युद्ध में इसलिए हार गया क्योंकि तुम चरित्रवान, मैं चरित्रहीन, बस। मैं हर मामले में तुमसे ऊंचा था, ज्ञान में, ताकत में, बाहुबल में, लेकिन मैं वहां गिर गया जहां से कोई उठ नहीं सकता। अगर आपकी जेब से कभी थोड़े पैसे गिर जाएं तो समझ लीजिएगा कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आपकी सेहत गिर जाए समझ लीजिएगा कि थोड़ा नुकसान हो गया, लेकिन जिस दिन आपका चरित्र गिर जाता है समझ लीजिए सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए आज इस दशहरे से जब हम उस इंसान की जीत का जश्न मनाते हैं जो कि भारतवर्ष के इतिहास का सबसे चरित्रवान इंसान था, भगवान श्री राम, आज उन्हीं को याद करके ये प्रण लें कि हम अपने चरित्र को मजबूत बनाएंगे, हम रोज ये कोशिश करेंगे कि हम एक बेहतर इंसान बन सकें।